Let us pray for the mother and father and her entire family. उससे कुछ नहीं होने वाला है, अंदर से प्रार्थना कीजिएगा that we get justice. किंतु अभी ऐसा लग रहा है एक डरावना सी साइलेंस, and I hope you never see me like this again. I hope everybody feels within themselves like this. For the victim, let's not forget the victim. इसमें सब हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी victim and her family. कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप और बलात्कार में वी वांट जस्टिस की आवाज तेज हो रही है और उसी में एक आवाज जुड़ गई है उषा उत्थुप की, जिन्होंने 6 दशकों से लगातार पूरे देश को और विश्व को अपनी आवाज से, अपनी गूंज से बहुत कुछ पहुंचाया और सुनाया है। उषा जी, क्या कहेंगी इस घटना पर, आपके दिल में और आपकी आवाज क्या कह रही है? नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आई एम उषा उत्थुप और मैं हूँ एक बेटी, भारत की बेटी। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि दिस इज़ अ मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट टुगेदर, और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ऑल वुमेन वे फेसिंग द सेम थिंग इन द होल वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट इंडिया। सिर्फ इंडिया में थोड़े ही नहीं ये दुख हो रहा है, सारे भारत में, सारे दुनिया में लोग सब सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। सो माई हार्ट गोज आउट टू द विक्टिम और उनके फैमिली के साथ हूँ मैं, और इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज अगर हम एक प्रेयर करें, एक सिर्फ प्रे करें, सिर्फ प्रार्थना करें हम, वो ये होना चाहिए कि आई बिलीव इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड आई एम श्योर वी विल गेट जस्टिस। लेकिन मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेट अस प्रे दैट शी गेट्स जस्टिस, लेट अस प्रे ऑल टुगेदर जस्ट नाउ, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट विल बी टू लेट। अब करते हैं सब लोग साथ में मिलके, दैट वी हैव सेफ्टी, लेट अस बी सिक्योर, लेट एवरी वुमन बी सिक्योर एंड प्राउड एंड इंडिपेंडेंट। जैसे हम लोग कहते हैं कि आज़ाद हैं, लेट अस होप एंड प्रे फॉर जस्टिस कंप्लीटली राइट नाउ, क्योंकि मुझे कंप्लीट बिलीफ है वेल एवरीथिंग इज सब जुडिस, वी शुडन टॉक टू मच अबाउट इट, एंड इन एनी केस आई एम नॉट अ पोलिटिकल पर्सन, सच्ची माई ओनली पार्टी इज दैट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी फॉर वुमेन, सेफ्टी एंड हैप्पीनेस एंड पीस एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जब मैं इसके बारे में बात भी करती हूँ ना, टीयर्स कम इन टू माई आईज। देख रही हूँ आपकी आंखें नम हैं, आंसू हैं आपकी आंखों में। जी, इट्स अ टेरेबल फीलिंग, क्योंकि हम सिर्फ हम अकेले थोड़े हैं इसमें, ऑल द मदर्स, डॉटर्स, सिस्टर्स, चिल्ड्रन, कितने, एंड आई वोंट डिनाई द फैक्ट के द मेन आर फीलिंग द सेम वे टू, जो हमारे पिताजी हैं, जो हमारे हस्बैंड्स हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, सो इट्स जस्टिस एंड सेफ्टी। सो आई लाइक टू सिंग जस्ट वन लाइन विच आई थिंक इज सो ब्यूटिफुल, इट गोज लाइक दिस, हाउ मैनी रेप्स विल इट टेक टिल वी नो दैट टू मैनी वेमेन हैव डाइड, द आंसर माई फ्रेंड इज ब्लोइंग इन द विंड, द आंसर इज ब्लोइंग इन द विंड। हम सबको मालूम है इसका आंसर क्या है, सबको, we just have to be a little bit more focused dil se, and of course I would say ye mat kaho khuda se meri mushkilein badi hain, ye mushkilon se keh do mera khuda bada hai, ye mushkilon se keh do prabhu bahut bahut bada hai, we know that God is the only person who can help us now. माँ के तौर पर पीड़िता के परिवार को उषा उत्थुप क्या कहना चाहेंगी अपने शब्दों के जरिए, अपने गाने के जरिए? Just this, that let us stand together. हम सब एकजुट होके प्रार्थना करेंगे, जरूर जरूर वो सुनेंगे हमारे बात, जरूर। I have complete faith in our system, in our judicial system. और ये मैं ज़रूर कहूँगी, अगर हम एकजुट होते हैं, it will work. आपने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने हज़ारों लोगों को एक साथ एक सुर में सड़कों पर आते देखा है?
दिस इज बीन द फर्स्ट एंड आई होप इट इज द लास्ट। उषा जी से अपने शब्दों में अगर मैं कहूँ, कुछ और कहना चाहेंगी, कुछ और बताना चाहेंगी, अपनी भावनाओं के बारे में कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगी? सिर्फ ये कि दुनिया को बता दें कि हम लोग सब एक हैं, दुनिया को बता दें कि एवरी वुमन हैज़ पावर इन हर हैंड बट समटाइम्स वी आर टोटली पावरलेस, और इसके लिए वी नीड सिक्योरिटी, वी नीड सेफ्टी एंड वी नीड जस्टिस। आप एकमात्र ऐसी महिला हैं जो ज़िंदगी भर क की बिंदी लगाती हैं, क्योंकि कोलकाता आपके दिल दिमाग जहन में रहता है। कोलकाता की ये तस्वीर तकलीफ देती है कभी? हे गॉड, अमर कपाले को माय होल बॉडी, माय होल बीइंग, माय ब्लड स्ट्रीम इज को कोलकाता। लेट्स कीप इट क्लीन एंड ग्रीन एंड सेफ एंड जस्ट। दीदी उषा उत्तम जो अपने शब्दों में, अपनी अंदाज में बयां कर रही हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, और सबको इंतज़ार है इंसाफ का। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इंसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।